गिरिडीह के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ के जवानों ने सिविक एक्शन प्लान के तहत लोगों के लिए दवाइयां और अन्य सामग्रियों का वितरण किया। गिरिडीह के नियमियाघाट थाने में आम लोगों के बीच सीआरपीएफ ने अपनी संवेदना और सामूहिक सेवा का परिचय दिया। गिरिडीह जिले के नीमियाघाट थाना क्षेत्र के बंदखारों में सीआरपीएफ की 144 बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्लान के तहत ग्रामीणों के बीच आवश्यक सामग्री, छात्र छात्राओं के बीच पठन पाठक की सामग्रियां वितरण की गई। सीआरपीएफ के सेकंड कमांडेंट राजेश ठाकुर द्वारा ग्रामीणों के बीच वर्तन जरूरत सामग्री वितरण करने की, विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच स्कूल बैग, पेंसिल, कॉपी, खेल सामग्री जैसे वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल का वितरण किया गया। इस संबंध में सेकंड कमांडेंट राजेश ठाकुर ने बताया कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना है। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई, साथ ही साथ उन योजनाओं का लाभ किस प्रकार लिया जाता है इसकी भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आसपास के गाँव के ग्रामीणों, महिला पुरुष और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ उपस्थित थे। वहीं इस दौरान ग्रामीणों के स्वास्थ्य की भी जाँच की गई और दवाइयाँ भी दी गई। भारत सरकार की पॉलिसी है, ये इसके सिविक एक्शन प्लान के अंतर्गत हमने कार्यक्रम किया है, जिसमें कि दूर दराज जो पिछले इलाकों में जहाँ तक कोई जरूरत का सामान हमारे हाथों से पहुँच गया, ताकि एक पुलिस का एक संबंध आम जनता के साथ अच्छा संबंध स्थापित हो, ये भारत सरकार की ही नीति है। इसके अंतर्गत हमने ये पब्लिक एक हमारा एक उस तरह का रूप ही देखती है, जो हम ड्यूटी पे रहते हैं, जो हमारा काम होता है तो उसमें अक्सर हमारा थोड़ा रवैया सख्त होता है, तो एक हमारा जो दूसरा पक्ष है कि हम भी एक नॉर्मल है और हम उनके भले के लिए सोचते हैं, बस इस संदर्भ में ही ये कार्यक्रम रखा गया है ताकि हमारे बीच में जो दूरी है वो कम हो। और मुखर संवाद के लिए गिरिडीह से ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। आपत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।